करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रम झाझर में। हमारा पता है सुरी घाट बाईपास रोड पड़ाव चौक मुंगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर, मैं हूं राजकुमार यादव। धान उपार्जन केंद्रों में फंड को लेकर प्रभारियों की लापरवाही देखने को मिल रहा है। धान उपार्जन केंद्रों में धान भारी मात्रा में भीगते नजर आ रहे हैं। देखरेख के अभाव में गैर जिम्मेदारियों के बीच धान की बोरियों को गायों ने भी साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। दरअसल बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र जगह जगह में फंड प्रभारी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहाँ शासन प्रशासन किसानों की धान खरीदी को लेकर सख्ती और सावधानियां रही है, तो वही दूसरी ओर उपार्जन केंद्रों में फंड प्रभारियों की मनमानी रवैया देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच धान बिकते नजर आ रहे हैं, साथ ही धान की देखरेख के अभाव में गाय अंदर घुसकर तौल हो पड़ी धानों को चट कर रही है। वही तराजू को भी कचड़ों की तरह फेंक दिया जाता है। गौरतलब है मंडी परिसर में धान खुलेआम आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जिसमें त्रिपाल को भी ढकना मुनासिब नहीं समझा। धान की बोरियां भीगता हुआ पड़ा हुआ है। लगातार बारिश होने के अलर्ट के बाद भी किसी प्रकार की रख रखाव व्यवस्था को सुनिश्चित ढंग से व्यवस्थित नहीं रखा गया है, जिसके चलते उपार्जन केंद्रों में धान भीग रहे हैं। वहीं उपार्जन केंद्रों में जब मीडिया की टीम पहुंची, फंड प्रभारी उपार्जन केंद्र से नदारद मिला। उपार्जन केंद्र के कर्मचारी द्वारा उनको बुलाया गया, बावजूद उपार्जन केंद्र में आना उचित नहीं समझा और न ही आया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को वहन कर रहे हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि जिला प्रशासन इस पर किस प्रकार की कार्यवाही करेगी। ये कौन सा धान उपार्जन केंद्र है? अभी यहाँ पर देखा गया है कि भारी मात्रा में धान जो है भीगा पड़ा हुआ है। कब से भीगा पड़ा है और कैसे भीगा है? मतलब आज ही भीगा है, रात में आज रात के भीगा हुआ है। ये जो खुला है ना, वो किसान अपने यह ले गया ना, अपना त्रिपाल इसलिए खुला हो गया। हर प्रभारी की तरफ से ऐसा रख रखाव के लिए कुछ त्रिपाल व्यवस्था नहीं रखा है? हाँ, पूरा दिख रहा है, लगा हुआ है। उसके बावजूद भी फिर इतने मात्रा में भीगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? परसों खरीदे है ना, तो इसीलिए अचानक आके बारिश। इसलिए यहाँ पर यह भी देखा गया है कि स्पॉट पे यहाँ गाय जो है रख रखाव के बावजूद यहाँ पर घुस गया और काफी मात्रा में धान को खा गए हैं। अब अचानक तो घुस जाता है बारिश के अनुसार। जिम्मेदारी में आप क्या समझते हैं, किसकी जिम्मेदारी है रख रखाव? जिम्मेदारी तो हम लोग। बिलाईगढ़ से राजू निराला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।